एक मिनट दुआओं की गुजारी। 15 के दिन आएंगे अपना इंशाल्लाह सिंगल के आए तो सबको बोलिए सर। हाँ इलेक्शन लड़े आप जीते रहूंगे और 15 के दिन अपना सिंगल आएंगा जो भी सिंगल आएंगे आप जीते रहूंगे। जिंदाबाद। भाई हमजादुल्लाह खान, हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके लोगों को बोलिए, जरा पूरे घर के लोगों को बोलिए 15 तारीख आइए बाहर आइए, वालदा को बोलिए, सबको बोलिए। आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 15 तारीख की जो है हमारा मीडिया सुबह मालूम है, तो आपके घर के पूरे अहबाज खानदान को बोलिए जिंदाबाद। एमबीटी जिंदाबाद। भाई अमजदुल्लाह खान, मरूम गाशे मिलत का फर्जंद अमानुल्लाह खान साहब का, और अभी अपना सिंबल नहीं मालूम था 15 के। जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं अमजदुल्लाह खान। तो जैसा कि आपको पता होगा हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? शाहिद भाई, आपके घर में कितने वोट है? 5 वोट है। चलिए, तो उमन ये होता है कि आप एक वोट डालते दूसरे जने नहीं डालते, तो उसमें क्या हो रहा है, ये वोट बोकस हो रहा है आप लोगों से, कोई दूसरे लोग डाल ले रहे वोट, एक वोट बोकस हुआ तो हम 2 वोट पीछे हो जा रहे उससे। तो आपकी कोशिश करिए, घर में जितने लोग हैं पूरे जाके अपना वोट डालिए। अगर आप लोग गए जब तक कोई दूसरा आपका वोट कास्ट कर लिए तो आप चैलेंज कर सकते हैं। आपका आईडी लग जाके बोलिए मैं नहीं वोट डाला, ये मेरा वोट कैसा बोकस हुआ, बोलते आप पोलिंग रुका के आप जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या नाम साहब आपका? खादर भाई, आपके घर में कितने वोट है? 7 वोट है। तो उम्र यह होता कि 1 या 2 वोट डाल देता हूँ, वो 5 वोट नहीं डाल रही, हाँ गए जब तक गिर जाते ना, तो उसको आप चैलेंज करना चाहिए। आप जिम्मेदार है, आप महिला के भी जिम्मेदार है, आप एक बड़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका वोट अगर आप जाने से पहले कोई दूसरे डालिए तो आप वहाँ पर जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चैलेंज करिए, आप अपना आईडी पेश करिए, चाहे नॉट कास्टेड वोट, क्योंकि आज जो है पूरा वोटर अंदर आके पोलिंग बूथ में वोटर बाहर गए जब तक पूरी उसकी है तरीका सो गली गली में कैमरे लगा दिए पुलिस वाले, देखो आप घर से निकल के पोलिंग बूथ में दौड़ पीछे हो जाओ, तो इंशाल्लाह दुआ भी दीजिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब्दुल्लाह खान जिंदाबाद। 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 यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह दुआ। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं अंदर, हम आप लोग आते हैं सर। अच्छा आपको बोलिए, आपका चले सर, मान लो 12 सबसे बड़े कसूरवार जमहूरियत के लोगों में है जो अपना वोट कास्ट नहीं करते, इसकी वजह से ये हो रहा कि आपका वोट बोकस हो गया, एक वोट बोकस होने से 2 वोट पीछे हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप लोग अपने पूरे वोट डालने की कोशिश करें, अगर आप गए जब तक अगर कोई आपका वोट कास्ट कर रहे हैं तो आप चैलेंज करके रहे हो। तीसरी चीज ये है कि आपके घर में अब आप जाके पूरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप साइट पे जाके इलेक्शन कमीशन की चेक करिए। आप बोलना कि ये बोगस वोट है, इसको निकालो, आप ये वोटों को भी बोलते बोल सकते हैं। तो मेरा अवेयरनेस के लिए हम गली गली फिर रहे हैं, कोई गली में आता ये वक्त बहुत कम है, अभी हमारा सिंबल नहीं आया, 15 के दिन आएंगे सिंबल इंशाल्लाह। तो आप लोग अवेयरनेस आइए, रोज 1 घंटा दीजिए 15 दिन तक, फिर इंशाल्लाह 5 साल आपके दरमियान से रहेंगे,
जैसा राज्य मिला था मोहम्मद अमान अल्लाह खान आप उनकी गलियों में चलिए काम करते थे, हम भी वैसा काम करते ले लिए मिल गया मिल गया। चलिए बाबा सर आपका नहीं बोला, देखो सुनिए हमारे लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं 5 इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट था, 4 इलेक्शन मैं अमजदुल्ला खान हूँ, तो हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पूरे आसान 20 तारीख में आपके मकान में थी। नहीं नहीं सुनिए आप अगर तो गड़बड़ इलेक्शन की कुछ नहीं होता, 6 बताए हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप जो है आपके घर में कितने वोट जाओ, क्या नाम आपका? मोहम्मद अली। अली भाई आपके घर में जो 7 वोट है पूरे 7 तो नहीं डाल के अपने लोग निकल गए, 1 डाल से 2 डाल, अली भाई तो आगे जाओ ना, आगे जाइए। अपन अब अमजदुल्ला खान आए मेरे से मिले बोल के आप जाके 1 वोट डाल दें, 5 आपके घर की वोट मैं दूसरे डाल देता, 1 वोट फोकस हुआ तो मैं 2 वोट पीछे हो जाऊँ, तो आपका काम यह है कि पूरे 5 लोगों को पोलिंग बूथ पे लेके बैठे वोट डाल दें, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप गए वहाँ पोलिंग बूथ पे अगर कोई वोट जो है आपका डाल दिया है कोई, आप चैलेंज करना उसको, दिस इज माई वोट ये कैसा डाले, आप नौजवान हैं पढ़े लिखे आप चैलेंज करके अपना वोट डालते हैं, श्रवण है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए हम आपसे 1-2 मिनट बात करते हैं, चारों की ठहरो माई। देखिए इश्यू ये है आपके घर में कितने वोट है, 6 वोट है, अपन पूरे 6 वोट निकाल के जाके आप क्या करते रहे, अब्दुल्ला खान आए थे भाई मेरे से मिले, आप मेरे पे तरस खा के डाके वोट डालते, आपके घर के 5 वोट कोई दूसरे डाले रहे, तो उसमें क्या हो रहा, जेन्यून कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो रहा, बैराग घरे इलेक्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा, 5-7 रोते बैठो, फिर आप सोशल मीडिया पे गलियां दे देते बैठो 5 साल तक, पानी आ जा रहा घरों में, लाइट बंद हो जा रही, ट्रैफिक के चालाना हो जा रही, बकरी में बैला पकड़ ले रही, गाय पकड़ ले रही, है ना, जानवरों का प्रॉब्लम हो रहा, तो ये तमाम चीज के लिए यू नीड ए गुड पर्सन टू बी इलेक्टेड। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आपके घर में 6 वोट है पूरे 6 लोगों को लेकर के चला, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप जो है जैसा अल्लाह ताला है हजारों की लोग नमाज पढ़ जाते हैं, मौजूद साहब अगर भूल गया था देना लोग आए क्या सोचते रहे कहीं नहीं, तो आपकी जो है जिम्मेदारी ये लीजिए हर व्यक्ति वाले, वो सामने क्या हो रहा है क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए आप, अगर कोई धोखा सी चला तो वो भी छोड़ दीजिए, बहुत बैठे थे पुलिस गंदी गंदी कैमरे आ गए, वोटर घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाके वोट डाल के वापिस आ जाता है, उसका पूरा वेबकास्टिंग हो रहा पूरा, समझ रहे ना, तो आपका अगर वोट कोई अब आप पोलिंग बूथ पे गए नहीं जी तुम्हारा वोट डाल गया, आप नहीं डाले वोट, आप चैलेंज करना आपका आधार कार्ड आपका वोटर आईडी कार्ड लेके जाके बोलना आई एम नॉट कास्टेड माय वोट हाउ कर, ये कैसा पड़ा थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, आप चैलेंज करना, एक 10 आदमी अगर चैलेंज करे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी टाइट हो जाता है, पुलिस वाले प्रिसाइड बढ़िया इलेक्शन वाले क्या करते किसकी हवा चलती देखते उसके रुख में हो जाते, अरे नहीं भाई यहाँ के होता रहा पूरे सखा है, पंजाब में जो है पंजाब का जो सालाना चीफ मिनिस्टर था 15 साल चीफ मिनिस्टर, उसको एक कॉलेज का टीचर हरा दिया, कॉलेज का टीचर खाली स्कूल में या कॉलेज में कोई टीचर था आम आदमी पार्टी वाले उसको टिकट दिए, वोटर्स में अवेयरनेस आया पूरे लोग जाके वोट कास्ट करे उन्हें हार गया, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग सब कोशिश करेंगे तो हम भी जीतेंगे, समझ लो आपके घर में 15 वोट है आपका शराई हक है, आपका शराई हक है वो, आप जाके वोट डालना, समझ रहे इंशाल्लाह, सलाम अलैकुम। मोहम्मद यासीन राशिद कहां पर है क्या ये मकान है, कितने वोट आपके घर 4 वोट है, तो उमन अपन पूरे 4 वोट नहीं डालते, सुनिए सुनिए नहीं मैं कुछ हकीकत बात करता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा आप जो 4 वोट नहीं डाल रहे ये आपका हक है, लेकिन कोई दूसरे जने डाल रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये करिए पोलिंग के लिए पूरे 4 लोगों को पोलिंग बूथ तक लेके जाके, असलौर आपकी महल्ले में दुकान है, मकान कहाँ है आपका,
अच्छा तो दुकान यानी आपकी दुकान पे डेली 15 आदमी आते हैं, तो डेली 15 और बनाना मेरे को, तो 15 दिन में कितने हो गए साहब? 150। नहीं नहीं, होली के दिन बनाना, निकालना बाहर, बोलना वोट की अहमियत क्या है, ये आपका हक है, बोलना आपका वोट दूसरे जगह डाल देगा। पंद्रह को आता सिंह, 15 के बाद में क्या सी बुलाता मालूम हुआ। अच्छा मैं अमजद लाता हूँ आपके एरिया से, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसका मैं याद हूँ। तो इन शाला 15 तारीख के दिन अपना चार निशान है मालूम होता है, तो वो हम उधर जब सुन लोग बोले दुकान आपकी है ये क्या है आपका? बोलिए सब में पूरे लोग बोलिए जिम्मेदारी से पहले ये बोलिए आपके घर में कितने पांच वोट है? पूरे पांच वोट नहीं डालते आपके दो जनों से वोट क्या होते हैं? कोई दूसरे डाल लेते, आपके बाबा के बेटे बनते दूसरे जने डाल लेते, तो उसमें ये करिए कोशिश कि वो एक वोट सोने से हम दो पीछे हो जाते, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि पूरे घर के अपराध या खानदान जाए के वोट डालने की कोशिश करिए। ठीक है, सुल्तान भाई आपके घर में कितने वोट है? चार वोट है, तो मैं आपको पूरे चार वोट नहीं डालती। एक आप सुल्तान भाई अरे अब्दुल्ला के घर से आए थे, उनके एक वोट डाल देते हैं, आपके बाकी के तीन वोट बोकस होते हैं, तो एक वोट बोकस हुआ तो हम दोनों पीछे हो जाए, तो कोशिश ये करिए पूरे लगे, पूरे चार के चार वोट जाइए, अगर पुराना सत्ता बेहद तक कोई बोकस कर लिया समझा तो चैलेंज करिए, वोट को जाकर चैलेंज करना बेहतरीन ऑफिसर है, वोट आपका शराइन है, वोट आपका जमुनिया है, आप इस्तेमाल करना, आपका वोट कोई दूसरे जाने नहीं पाए, आपके घर का दीवान खाना किसी को इस्तेमाल करने नहीं देते, आपके घर के छोटे किसी को बैठने नहीं देते, तो आपका वोट इस्तेमाल करने के इंतजार है अपने, आप जाके डालिए इन शाला आगे बढ़िए सर। जिंदाबाद। मुस्लिम भाई कितने वोट अपने घर में? 12 वोट है, तो उमन ये होता अपन 12 वोट कास्ट नहीं करते, मुस्लिम भाई जाके सारे एक देने वोट डाल देते आते, अरे हम जल रहा है भाई चलो जाएंगे एक वोट डाल देंगे, खान साहब के बेटे हैं भाई अच्छा वर्क कर, मगर आपके घर के 10 वोट जो है कुछ दूसरे डाल देता, तो उसमें क्या हो रहा एक वोट बोकस होने से हम दो वोट पीछे हो जाते, तो जो मार्जिन है इमिटी की जो हारने की जो 10-20 हज़ार मार्जिन रहेगी हमेशा, वो इसकी वजह से रहेगी द जेन्यून वोटर इज नॉट गोइंग अप टू पोलिंग बूथ, तो कोशिश ये करिए वोट इज योर प्रायोरिटी, वोट इज योर राइट, तो वोट आपको आपका शराइ हक है, आपका जमीन हक है, आप घर के चबूतरे में किसी को नहीं बैठने देते, आपकी गाड़ी का वैसा आगे कोई बैठा तो मार के निकाल देते, तो आपका वोट डालने क्यों दे रहे हैं दूसरों को? वाई आर यू नॉट यूजिंग योर वोट? तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी जी हाँ क्या होता है, मैं समझ गया आपकी बात, न्याय के जो लोग रहते ना वोट की वोटिंग देखिए आप, वोट रेटिंग यहाँ पे आती है आप जी, क्यों नहीं डालते भाई, क्यों नहीं डालते, वो भी तो सही है ना, क्यों नहीं आ रहा वो भी वोट तो आप लोग नहीं आ रही सर, चिट्ठियाँ आ रहे 100 बार, पब्लिक क्यों नहीं जा रही हो, पब्लिक निकल के वोट निकाल, वो भी चीज देखना चाहिए ना हमें, तो आप अवेयरनेस लाना, वो चीज ना तो वो चीज आना चाहिए ना, अरे पब्लिक अपनी एरिया में से वोट क्यों नहीं आ रहा लोगों, वो भी चीज आना चाहिए ना, मैं बोलता हूँ उसमें क्या हुआ देखिए, ये ऐसे लोग इलेक्टोरल जो बस्तियों के कामों में का इंटरेस्ट नहीं, तो पब्लिक का भी रिजल्ट चलेगा, आप दुआ करिए जो हो गया आप दुआ करिए इंशाल्लाह, अगर अब्दुल्ला खान को आप मौका दिए
पूरे दो साल के हिस्से दो दिन में खत्म कर दीजिए। अच्छा माशाल्लाह, आप हमारे वीडियो देखते रहते आप, तो खाली वीडियो देखते दुआ भी देते, दुआ भी दे रहे इंशाल्लाह। तो आपके बेटे को पावन करो पूरे बारह और तरह घर के बोल के आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मोहम्मद भाई हम जल्द बताओ कितने वोट है आपके मकान में? तो हमेशा अपन छह वोट नहीं डालते, एक वोट डालते, दो वोट डालते। आपका नाम? मोहम्मद रती भाई जाते अरे अंदर का घर पे आए थे, हमारे इलाका के बेटे है काम वाला है, उनका आप एक वोट डालते। आपके पांच वोट का हमारा फोकस वोट, तो एक वोट फोकस हुआ तो मैं दो पीछे हो जाता। तो बड़ा कर्म ये कहिए, वोट आपका जरूरी हक है, वोट आपका शरा हक है। आप घर के समुद्र में बैठने देते नहीं, जैसे मारे का हटा देते। आपकी गाड़ी वहाँ फेरी है, कोई आके बैठा तो क्या होता है? अरे भाई स्टैंड खराब हो रहा हूँ। जब आप अपने घर के चबूतरे में किसी में बैठ नहीं देते, आप अपना वोट डालने दूसरों को दे, आप क्यों नहीं जाते वोट डालने? तो कोशिश ये करिए आपके घर के पूरे लोगों को आप जब वोट डालने जाएंगे अगर प्रयास करिए आपका वोट मिल जाए, वीडियो लीजिए उनका सर्कुलेट कर, तो सामने से कहिएगा मैं क्या बात करूँ। अगर आप जो है अपना वोट सही इस्तेमाल करेंगे तो सही लोग इलेक्ट होंगे, आपके दुख में दर्द में आपके गम में आपके खुशी में साथ में रहेंगे। अभी वो गली में लोग बोले कि भाई दो साल से पानी भरा कोई गुस्सा नहीं आ गया, उसकी वजह ये है कि लोग जाके पोलिंग बूथ तक वोट नहीं डाल रहे, गैर जरूरी लोग इलेक्ट हो जाते। तो मेरा दुआ है इंशाल्लाह, दुआ भी करिए। भाई अमजदुल्ला खान जी जी, आपका नाम सर? मोहम्मद कासिम साहब। तो आपकी मसूर किया पहले क्या करते थे? जी अच्छा टेलर का काम, माशाल्लाह। तो आपके मकान में कितने वोट है सर? आठ वोट है जी। चलिए एक आठ वोट है समझिए, तो ये आठ वोट पूरे अपन कास्ट नहीं करते, एक या दो वोट तीन वोट डालते। कहाँ जाना भाई, वो लाइन में काम करना, ऊपर के पास क्या जाएगा, उसमें क्या हो रहा वोट बोगस बता रहे हैं हम लोग, कोई दूसरे शाने लोग डाल ले रहे। तो उसमें आप लोगों के मसाइल के टाइम पे आपके बुरे वक्त में कोई आके आपके साथ ठहरा नहीं। पब्लिक का इंटरेस्ट लीडर में चलेगा, लीडर का इंटरेस्ट पब्लिक से चलेगा। तो उम्मीद ये है, आप कोशिश ये करिए, वोट आपका हक है। अभी आपके घर के बाहर गाड़ी चलेगी, कोई आके उस पर बैठा तो आप क्या बोलते हैं? बैठा हो जब आप गाड़ी पर नहीं बैठने देते, आप उसके चबूतरे पर नहीं बैठने देते आपको, फिर आप उसको वोट कहीं को डालने दे रहे हैं आपका, आप कहीं को नहीं जाते। तो आप कोशिश ये करिए, किसको भी डालिए, आपका जो पसंदीदा कैंडिडेट है उनको डालिए, मेरे को डालिए, किसी को डालिए, मगर यूज योर वोट। आप आपका जमहूरी हक का इस्तेमाल करिए, आपका शरई हक का इस्तेमाल करिए, आपको सरकार की तरफ से हर चीज़ की फैसिलिटी है। अगर आप गए जब तक कोई आपका वोट कास्ट कर लिया दूसरा दल, तो आप चले तोड़ डालिए इंशाल्लाह। मैं अमजदुल्लाह खान जी, आपके मकान में कितने वोट है? 11 वोट माशाल्लाह। तो उमन ये पूरे 11 लोग अपन वोट नहीं डालते, एक वोट डालते, दो वोट डालते, अरे कहाँ जाना भाई, वो लाइन में कहाँ फेरना। तो अब क्या कोशिश ये करिए कि पूरे 11 वोट जाके डाले, तो सही उम्मीदवार भी हमारा निशान ही है, 15 के दिन मालूम होता। तो पूरी घर के लोग जाके वोट डालिए ताकि फोकसिंग ना हो। अभी हमारा निशान नहीं है, 15 को आता, तो कोशिश ये करिए पूरे घर वाले जाके पोलिंग बूथ पर वोट देने। कितने वोट? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान। कैसा पसंद है? ऐसा पसंद है बोलना हमारे मानो। अच्छा माशाल्लाह, खान साहब के थ्रू पसंद है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। घर में कितने वोट है ये बोलिए? आपके 6 जने हैं, तो पूरे 6 जने जाके वोट डालो, क्योंकि अगर आप एक वोट बोकस करें तो मैं दो वोट पीछे हो रहा हूँ। तेरा है तो उनके बेटे को वोट देना इंशाल्लाह। अच्छा क्या नाम आपका?
मोहम्मद जहांगीर साहब, मैं अब्दुल्ला खान हूँ, आप पहचान गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बोलिए आपके घर में वोट किया है, लेकिन यही कॉल करो, सात वोट है वो उम्र पूरे सात को नहीं डालते, लेकिन यही करो, कोशिश ये करिए। नहीं, आप लोग वोट नहीं डालने से क्या होगा, कोई दूसरे लोग वोट डाल देगा, दैट इज गेटिंग बोगस। तो उसमें गैर गलत लोग इलेक्ट हो जा रहे हैं, देखिए ऐसा गलियों में खुद छोड़ देगा भाग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करिए कि सारे वोट पड़े। हम दिन रात काम करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, अगर एमएलए बनेंगे तो हम बड़े पैमाने पर करेंगे। आपके घर में वोट जीते हैं, तीन पूरे तीन दलाल पूरे तीन जने दाल में वोट, इंशाल्लाह हमारा निशान आपको पंद्रह पाँच दिन। तो कितने वोट है आपके मकान में? तीन वोट है, तो तीन वोट है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करिए पूरे तीन जने डाल के, आज ये इलेक्शन में जो है ऐसा आपके जैसे कोई ज़ईफ लोग है तो उनके लिए अलग वो बना रहे, ताकि जल्दी आपको ज़्यादा लाइन में वेट नहीं करना पड़ा। हाँ, ठीक है, शुगर की वजह थोड़ा वो रगम का कुछ है क्या? अच्छा, हार्ट से वहाँ बढ़िए सब आगे सामने ठहरो महाराज, तो दोनों डालना है अमजदुल्ला खान। पहचानते आप मेरे को? नहीं पहचानते। क्या नाम आपका? आप पहचानते हैं? नहीं। तो कितने वोट है आपके घर में? पांच वोट है, अपन पूरे पांच वोट नहीं डालते। तो पोलिंग के दिन क्या रहता है, अपन हॉलीडे मूड में रहते, इधर उधर मोटरसाइकिल में फिरते रहते। तो पहले एक काम करिए, सुबह उठते ही वोट डालिए। आप एक वोट नहीं डाल रहे, मैं दो वोट पीछे हो जाऊँ, क्या हो रहा बोलो? आप एक वोट नहीं डाल रहे तो मेरे दो वोट का नुकसान हो रहा पूरे नौजवानों में। शाम में बैठते ना अपन चबूतरे पे, कोई घंटा जो है फेसबुक वो मत देखो, खाली अब्दुल्ला खान से डिस्कशन करो। अब्दुल्ला खान क्या काम करते हैं, एमएलए बने तो कैसा काम करेंगे, अपन एमएलए बन जाएंगे, अगर मैं एमएलए बना तो तुम भी एमएलए है नहीं है, रूह आपसे रहते नहीं रहते बोलो। ठीक है इंशाल्लाह, चलिए तब भरोसा करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खान जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जरा कोशिश करिए, शेख मारूफ साहब क्या काम करते हैं आप? तो आपकी दुकान है, कारखाना? अच्छा, यानी सेकेंड हैंड व्हीकल लेते खरीदते और बेचते। तो आज इंस्पेक्शन में आकर आपके घर के सुना सत्रह और भोका सजा कोई दूसरे जाने डाले हुए होता जाए, तो आप एक वोट आप नहीं डाले तो मैं दो वोट पीछे हो जाता। कोशिश ये करिए पूरे लेडीज जेंट्स मिल जाए, अगर आप गए हम कोई बलपाए सकता हूँ डालिया तो आप कोशिश ये करिए चैलेंज करना, चैलेंज करना। ये गाड़ी पर उठा, ये गाड़ी घर बैठे, ये गाड़ी थर्टी टू थर्टी ये गाड़ी पर उठा लेके चलेगा। तो अगर कहीं आप रोड पर ले तो आप चैलेंज करते हैं, मेरी गाड़ी में सारी मेरी आर सी दिखाई मेरा दे दे तो उसके लेके जाऊँगी। तो वोट कहीं ले रहे हैं हम, अगर वोट आपका शराय है, वोट आपका जमहूरियात है, आप कोशिश करिए पूरे सत्रह वोट डालिए इंशाल्लाह और दुआ भी करिए। मैं भाई सामने से तो आ रो ठीक सामने से तुम लोग दे रहा हूँ। तो कोशिश ये करिए कि आपके पूरे छह वोट डालने की कोशिश करिए, ताकि जो है छह लोग के पूरे वोट डालने की कोशिश करिए, ताकि जो है अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट के वोट आते। अरे अब्दुल्ला खान थे, नरेंद्र पासवान मिले थे, बोलते एक और दो वोट तो नहीं डाल रहे खान।
अपन मिलिए, हम मिलिए, हो गई मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, चलिए आगे बढ़े, चलो चलो अपन फिर से जल्दी आगे बढ़ो। एक बच्चो आप बात करो, शकीब भाई आगे करो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ, बिहार में? किधर? बेगूसराय। इनका नंबर लिख लो, इनके एमएलए से फोन करेंगे। कौन है तुम्हारे एमएलए? वहाँ कोचा दामन के जो मुजाहिद आलम है, पहचानते हो? कोचा दामन के जो एक, अच्छा हाँ हाँ, बकरी विधानसभा। ठीक है, इंशाल्लाह इनका नाम नंबर नोट करो, अपन बात करेंगे। क्या नाम आपका? काम करते थे कोई आप? मैं क्या बंडी पे फ्रूट बेचते हैं या बंडी पे? कहाँ पर लगाते बंडी? कितने साल से लगा रहे हैं आप ये बंडी? मामूल देना पड़ता ना हम? हाँ, उसको बंद करा देंगे इंशाल्लाह, दुआ करिए आप। चार मीनार की कोई बंडी वाले रुपया नहीं दिया ऐसा कामला जी। जिंदाबाद। बुलाइए अब्दुल्ला खान, पहचाने आप? कैसा पहचाने जी? अच्छा, यूट्यूब पे देखते, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम तो फिर रोड का हकदार हूँ ना मैं, इंशाल्लाह दुआ भी करिए। हमारा निशान 15 के बाद में आता, आप जो है पूरे घर वालों को बोलिए, मदारे में बोलिए, ताकि वो काम में और तेजी है और चोट आपके घर में बस चोट है, पूरे 10 में डालते हैं एक हाथ डाल के, पूरे 8 में गोदन से जाने आपकी कोशिश ये करिए, पूरे 10 डालना। आपका शराई हाथ है और आपका जमुरी हाथ है। ये बैग किसको भी दे देते आप? मैं नीलम जाते देते नहीं देते, फिर वोट कहीं दे दे रहे आप लगा डालना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हैंड मिला दे दो लोग। ये कौन सा हॉस्पिटल है? फेथ हॉस्पिटल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आइए भाई, आओ आप लोग आते उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर ही चलो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हटो भाई इधर देख लो, अमजदुल्ला खान हूँ अम्मा, उधर हैंड मिल दो। चलिए आगे बढ़िए, मैं अमजदुल्ला खान हूँ। काम पर? हाँ हाँ, ये वो हमारे बालू भाई के बाउंड्री के बालू था ना, इधर आ गया, फोटो लेंगे। देखो चलो तुम साथ में रहो। भाई बीच में से हटो, डब्बा का है, डब्बा लाओ खरीफ। ये कब से हालत है आप? जमाने से थे, पिलाट जाके कुंडी बन गया बड़ा। तो आप किसी को कंप्लेन नहीं करें? काम नहीं हो रहा तो आपको जो है सही आदमी को वोट डालो, आपके मेरे को वोट डालो, मैं पूरा साफ करा के देता हूँ आपको। हमारा निशाना भी मालूम होता 15 तारीख के दिन, क्या निशाना है मालूम होता है ना दादा? ये जितने भी जानवर जो हैदराबाद आ रहे हैं, ये हर साल बकरीद में आप लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है?
कोई आ रहे हैं आपकी मदद को? वोट पे फोन कर रहे हैं 2 बजे रात तक, अभी भी इंशाल्लाह नई सरकार आएगी, आपका एमएलए अमजदुल्लाह खान बनेगा, तो कोई माइक का आप पहचाने मेरे को नहीं पहचाने, मैं आपके एरिया से इलेक्शन लड़ो यहाँ से, तो कोशिश करिए सारे लोग। कितने वोट है आपके? देखिए मैं हरियाणा महिले से तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एमपी साहब है, एमएलए है, कारपोरेटर है, क्या हालत है देखिए, ये मुसलमानों के बस्तियों का क्या हाल करके रखे बताइए। शायद मैं समझता हूँ पिछले 6 महीने से कचरे की गाड़ी भी नहीं आई, और जो है हम तरक्की की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी, ग्लोबल सिटी, ना जाने क्या क्या बातें हो रही। माइक लाओ, उतना लगाओ भैया। अम्मा मैं अमजदुल्लाह खान बात, क्या नाम आपका? गोरीबी। कब से यहाँ पर आप? आपका वोट किधर है? इधर है, वो घर पे है। कितने वोट है आपके लिए? पूरे डाल रहे हैं के? आओ, क्या बात है? नहीं, आप वोट भी देना, दुआ देना। तो आपके जो है 15 को अपना क्या सिंबल है मालूम होता निशान जो है 15 के दिन। ये आपके घर के सामने कचरा गुंडी, क्या हालत है? कितने दिन से पड़ा हुआ है कचरा? 1 महीने में कचरे की गाड़ी नहीं आई। तो आपके घर में कभी बीमार नहीं पड़ा? क्या बीमार है आप? ये इंशाल्लाह दुआ करिए, ये साफ कराएंगे हम। इंशाल्लाह ये क्या हालत है ये कचरे की आप लोगों ने? हेलो जी, 35 साल ऐसी है सब, नहीं हमेशा ऐसी रहता है। आप लोग, आपका कारपोरेटर कौन है यहाँ पर? समीना। ये डॉक्टर समीना जो हॉस्पिटल के मन, वो नहीं आते यहाँ एरिया में? वो कुछ भी आते देख के चले जाते हैं जी। नहीं नहीं ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे साफ कराने की। पूरी एक फोटो लिया उसकी, तो 2 नंबर लिखो पूरे। चलिए अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। खान क्या नाम आपका? यही रहते आप? क्या है आपकी मसरूफियत? अच्छा, ये दुकान आपकी है, ये नाम किसका है? दुला रही आपके दादा की सबसे दुकान है। तो अभी हमारा सुबू नहीं है, 15 को मालूम होता कटरा देखे आपके घर के बाद। आप लोग नहीं बोलते, आपके कारपोरेटर को मिले थे? अब आते आपका। तो आप यहाँ के मुकामी है या कहाँ है आपका मकान? अच्छा, चित्तौड़। आशा में गर्मी है, हाँ मैं भी आऊँ। अरे मेरे पीछे भोजन भी जाते दावत में, हाँ अल्लाह बरकत देता हो रहा है इंशाल्लाह। जलसे के बाद मैं आ रहा हूँ, जलसा भी है हमारा इंशाल्लाह आज। अब्दुल्लाह खान आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका नाम अम्मा? हाँ, कितने वोट है आपके घर में? 4 वोट है इंशाल्लाह, कोशिश करिए 15 तारीख के दिन अपना सिम निशान मालूम होगा इंशाल्लाह। मैं अम्जदुल्लाह खान, कैंटीन दीजिए। क्या नाम है आपका? तो कितने वोट है आपके घर में? 3 फैमिली है। तो अभी अपना निशान नहीं आया, बच्चा पार्टी जी। मेरा अभी निशान 15 को आता, तो कितने वोट है आपके घर में? 10 आते। तो कितने लोग जाके पोलिंग बूथ तक वोट डालते हैं? 1 जने डालते, 2 जने डालते, बाकी के बोगस हो जा रहे हैं, दूसरे जने डाल ले रहे हैं। अब के कोशिश करिए पूरे लोग जाके वोट डालते। पक्का वादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक। जब था इधर है तो रोड का काम सबसे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। आप लाइन छे इलेक्शन हराने वाले जिताने वाले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
अमजदुल्ला खान सलाम अली अपना सिंबल नहीं है छुट्टी तो मालूम होता सिंबल क्या क्या चल रहा है भैया उन लोगों देख आराम से आराम मेरे भैया चलो बच्चे बच्चे सलाम अली अभी हमारा सिंबल नहीं है निशान आता 15 रेंग सात आठ साल से कितनी मुश्किल हो रही अंदर आने ना आपको डबर लाने के वास्ते कितना सता अभी अच्छा डब्बा कहाँ है आज तो ऊपर बच्ची के दिनों में कितना सता ही बोली कोई भी आ रहा आपको मदद दो महीने वास्ते कौन सी लेने बहुत कहे देख रहा वीडियो तो फिर आप बनता आपको या कम्युनिटी कोर्ट लेने का जिला नहीं चित्तौड़ जिला नहीं बोलिंग के दिन आप अमजदुल्ला का मंत्री और दिलाना मेरे अस्सलाम वालेकुम शाम में जलसा भी है इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम चलिए साहब आपका मकान यही है और आ रहा हूँ मैं अमजदुल्ला खान जी तो कोशिश करिए आपका पहले में दुकान है तो शाम तक लोग इंटरेक्ट करके आपसे अच्छा उम्मीद वोट जो है वोट आपका शरई हक है वोट आपका जमहूरी हक है आपकी दुकान में अंदर आके कुर्सी पे किसी को बैठने नहीं देते फिर आप अपना वोट दूसरों को इस्तेमाल करने का इन दे रहे हैं आप लोग लड़ के डाल के आइए जाके पूरे 10 घर में 10 वोट है तो 10 डालना अरे हटो रे अब्दुल्ला खान आपका मकान भी गरीब है इधर है मकान अच्छा माशाल्लाह इतने वोट है आपके 8-10 वोट है ये जब से तेलंगाना बना ये जब से केसीआर की सरकार आई ये आप व्यापारियों को कितना प्रॉब्लम और अंदाजा है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम जंगल लाने के वास्ते और नए नए कानून बता रहे एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट करते वो क्या है कि इधर किसी अपने ईदों को ये सब कानून याद आते दूसरे ईदों को नहीं याद आते और कोई आप लोगों का मसला आपकी कोई आवाज़ उठाने वाला पुलिस जुलूम के खिलाफ नहीं आपके जनवरा गिरफ्तार होने को कोई बोलने वाला कोई है बोलने वाला अच्छा ये बकरीद में जब भी आप लोगों ने जनवर पकड़े रातों को कौन फिर रहे थे याद है ना आपको वीडियो देखे आप तो मैं आपके ओर का हकदार हूँ नहीं हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह अगर जिता दिया 5 साल तक अगर कोई जानवर की गाड़ी रोका उसको जानवर बना के भिजा दीजिए क्या बात है मेरा हक बनता 5 साल से लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं अमजदुल्ला खान हूँ अस्सलाम वालेकुम मैं अमजदुल्ला खान जी आपके घर में कितने होते अपन क्या होता आपका नाम भैया काशी भाई ये बोलते अरे अब्दुल्ला खान के जिले पर काम वाला है बोलते आप एक जगह रखे हो ना आपके घर में वोट को दूसरे डाले वो कस हो जा रहा तो इस मरतबा कोशिश ये करिए घर में अगर 18 वोट है तो पूरे वोट जाके डालना अगर आप एक वोट नहीं डाल रहे तो मैं दो वोट पीछे हो जाऊंगा उन्हें एक वोट बोकस कर ले रहा शैतान बैठा हुआ है वहां पर हर बूथ पे शैतान ने बैठा हुआ तो कोशिश ये करिए अगर आप गए गलती से कोई आपका वोट डाल लिए मेरे पास लेडीज लेट जाते 3 बजे जाते 4 बजे जाते उनका और बोकस हो जाता कोई डाल लेते ऑलरेडी तो कोशिश ये करिए लड़के आपका आधार कार्ड आपका वोटर आई डी कार्ड लग जाइए वोट को चैलेंज करिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का चैलेंज करके बहस करके वोट डाल के आना और फिर उत्तर लड़के में से काम लेना देखिए आपकी बस्ती में कचरा कुंडी की क्या हालत है कितने दिन से पड़ा हुआ कचरा हाँ अगर चीफ मिनिस्टर के घर के सामने रहता ऐसा कचरा उन्हें भी इंसान अपन भी इंसान अपन भी टैक्स बन रहे अपना भी हक बनता है सब काम लेने का आप सुरेशी फैमिली से हरासमेंट हो रहा आपके दिल पे हाथ रखे हो बहुत हो रहा
ना जंगल आ सकता है, नए नए कानून आ, एनिमल प्रोटेक्शन ऐसा आ जा रहा, ये सब अपने ही लोग ही ज्यादा था कानून। आपकी कोई आवाज उठा रही है स्टेट में, कोई नहीं उठा, कोई असेंबली में आवाज उठाया, कोई नहीं उठा, कोई जाके कमिश्नर DGP से, अरे भाई ये क्या हो रहा, ये कौन जी राजा सिंह आ जा रहा जानवरों को रोक रहा, कोई बाजा सिंह आ जा रहा जानवरों को रोक रहा, कभी कोई आप लोग लड़े हैं पिछले 8 साल में 9 साल, कोई भी लड़े जी। अच्छा, तो हमसे जो छोटी कोशिश है हम करें, इंशाल्लाह कोशिश ये करिए आपके पूरे कुरैशी और वन साइडेड, मैं आपके वोट का हकदार हूँ नहीं हूँ, दो बजे रात तक आपका काम करा नहीं करा, अगर मैं MLA बन गया तो किसी की माँ नहीं जानी आपको छोड़ दी, किसी की हिम्मत होती अगर MLA गाड़ी डाल के स्पॉट पर आ गया तो क्या हालत होती, बोलो आग भाग हो जाते बोले तो आपके चेहरे पर वोट का तो बाजा बजाइए, इंशाल्लाह पूरा में साइलेंट कैंपेनिंग कराऊंगा। अमजदुल्ला खान, चलिए आराम से आराम से, अस्सलाम वालेकुम, उधर से उधर से, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अमजदुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम, इधर जी अभी अपना सिंबल लिया है 15 को मालूम होता है निशान, 15 को मालूम होता है इंशाल्लाह, क्या जबरदस्त वोड़े चल रहे हैं यारो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सेट, यहाँ के कैंडिडेट मामू हैं हमारे, नशे मुर्शद है हमारे कैंडिडेट, हमारे बाबा के पुराने आदमी हैं ये, अस्सलाम वालेकुम, आओ मुर्शद अंदर सुनो लोगों को, अस्सलाम वालेकुम, अमजदुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप जो एक महिला किराया नहीं है तो मकान डर लगा दो, आपके शोर नहीं है, आपको विडो पेंशन भी नहीं आ रहा, तो जो बेवा का पेंशन आने का वो भी नहीं आ रहा, आप कह रहे ऐसे से आपको हैंडीकैप पेंशन भी नहीं आ रहा, आप अप्लाई करें, आप लोग अप्लाई करें तो कहाँ है सर्टिफिकेट कहाँ है, भाई शाम में जलसा है आनो, अप्लाई करें तो आपका वो वजीफा का आप निकालो, इंशाल्लाह हमारे घर कोशिश करेंगे, और आपका जो अकाउंट है ये इलेक्शन हो जाता ना, ये 30 को पोलिंग हो जाती है, 3 तारीख को रिजल्ट आता, 6 दिसंबर के बाद में आपको भाई मैं आपका क्या इलाज भी कराता हूँ, आपको पोलिंग कराता हूँ, आ रहा हूँ साहब आ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अमजदुल्ला खान जी आप, अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दुकान महल्ले में है, ऐसा ऐसा तो आप यहाँ के हमारे नुमाइंदे बनिए, लोगों में अवेयरनेस लाइए, आपके घर में अगर 10 वोट है आप एक वोट डालते हैं, आप एक दिन पटरी उठाइए 5 साल कलर पकड़ के काम लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, अमजदुल्ला खान, चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए साहब, अस्सलाम मामू, अस्सलाम वालेकुम मामू, इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम मामू, देख रहे हैं हमारी तरफ जी, अमजदुल्ला खान कहाँ के हैं आप, बिहार के दिख रहे हैं, कोट है इधर कौन से डिस्ट्रिक्ट है आप, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा कोचा दमन के बाद हुआ भाई, किधर आता है, पटना के करीब रेलवे स्टेशन, अच्छा कहाँ है बिहारी तेरे एरिए के, समेंद्र पटना सिटी, हाँ कितने वोट है बहुत है आप लोग के यहाँ, हाँ बिहारी है तो कैसा खुश हो रहे हेलो भाई, कानपुरी है आप लोग, अच्छा माशाल्लाह, तो वोट इधर है उधर है, वोट उधर है इधर नहीं है, भाई ये अच्छा लगती है यहाँ के बहुत वोट है, अच्छा आपका नाम कहाँ के रहने वाले आप, हैदराबाद की, अच्छा तो कोशिश करिए सबको बोलिए अपना चाची बोला है मालूम होता 15 तारीख के लिए निशान, सबको बोलिए निशान, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के कैंडिडेट मैंने हूँ, इनकी जिम्मेदारी है पूरे वोट दिला, अल्लाह क्या स्मार्ट बनता है,
आपके घर में क्या नाम आपका? यूसुफ भाई, तुम्हें ये होता अपन पूरे पांच वोट नहीं डालते जाके, ये कोट डालते यूसुफ भाई को तरह आता, अरे अमजदुल्ला खान घर पे आया था, अच्छा काम वाला है, आप एक वोट डालते, आपके चार पांच वोट बोकस हो जाते, तो अब एक वोट अगर बोकस हुआ तो मैं दो वोट पीछे हो जाता, तो कोशिश ये करिए पूरे पांच लोग जाके इंशाल्लाह दे दे। एक काम करते हो, आपको घर नहीं है, ये जो सरकार गवर्नमेंट आपको टू बेडरूम फ्लैट दे रही बोले, आप अप्लाई करे तो अप्लाई भी नहीं करे, कोई आके आपको मदद बोले भी नहीं अप्लाई करो बोलते, कोई बोले भी नहीं आपको, फिर कैसा जी बस्ती में इतने लीडर है ना, इधर आ जाओ मैं, इधर आ जाओ मैं, सब अपना देख ले रहे, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए, अगर हम जीत जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ घर दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने नहीं चार उम्मीद आ रहा हूँ, कितना पैसा कर लो मैं कर दूँगा जी जी सर खाइए जी, अच्छा नहीं आपके बोलो मैं सरकार बेटा हूँ, तो अब अपना निशान आता 15 को, जरा शौक को बोलिए बस्ती में पूरों को बोलिए 30 तारीख को दिन वोट डालना, आपके जाति घर है आपके, तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिस तरह जमीन जाती है उनको गवर्नमेंट पैसे दे दी जाती है अच्छी बिल्डिंग बनाने, आपको मिले हो पैसे? नहीं मिलेगा, कोई आके आपसे बोले भी ना स्कीम के बारे में, इंशाल्लाह दुआ करिए करेंगे, एरिया से इलेक्शन लड़े ये बात का तो आपको इतना होंगी, कितने वोट है आपके घर में? दो वोट है सर, तो इंशाल्लाह दो देने की कोशिश करेंगे, 30 के दिन पोलिंग होने वाले हैं और अपना निशान 15 को मालूम होता जाए। अस्सलामुअलैकुम, एक मिनट मैं यहाँ बात करके आता हूँ, अम्मा मैं अमजदुल्ला खान, मैं अमजदुल्ला खान जी 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 जी, हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भूमि चढ़ा हूँ, कितने वोट है आपके घर में? दो वोट है इंशाल्लाह, दोनों दलाने की कोशिश करिए, हम आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने वोट है आपके घर में?